16 साल की उम्र में श्रेयस के कोच ने पिता संतोष अय्यर से कहा, आपके बेटे में बहुत टैलेंट है लेकिन वो अपना फोकस खो चुका है। पिता को लगा कहीं श्रेयस प्यार में तो नहीं पड़ गया या कोई गलत संगत में, अभी तो अच्छे रन मार रहा था। संतोष जी श्रेयस को स्पोर्ट्स साइकेट्री के पास ले गए। वहां उन्हें पता चला कि श्रेयस अय्यर का जन्म 6 दिसंबर 1994 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। पिता संतोष अय्यर एक बिजनेसमैन है और माँ रोहिणी अय्यर एक हाउसवाइफ। 4 साल की उम्र से श्रेयस के हाथ में बैट थी और वो दिन भर बैट से खेलते रहते थे। पिता का बिजनेस वर्क फ्रॉम होम था, वो प्लास्टिक बॉल से श्रेयस को बॉलिंग कराते थे। श्रेयस उस उम्र में भी बॉल को जबरदस्त मिडिल करते थे। पिता को अपने बेटे के अंदर की टैलेंट दिखने लगी। श्रेयस अय्यर के पिता संतोष अय्यर का भी क्रिकेटर बनने का ड्रीम था। वो अपने कॉलेज लाइफ तक क्रिकेट खेल रहे थे लेकिन बढ़ती उम्र और कम होती अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उनको अपना डिसीजन बदलना पड़ा। लेकिन पिता का इंडियन टीम में खेलने का सपना अब अपने बेटे श्रेयस में दिख रहा था। अय्यर ने डॉन बॉस्को हाई स्कूल माटुंगा में एडमिशन ले लिया। श्रेयस का धीरे धीरे फुटबॉल में इंटरेस्ट जागने लगा लेकिन पिता ने श्रेयस को क्रिकेट की तरफ मोड़ा। 11 साल की उम्र में पिता संतोष अय्यर श्रेयस को क्रिकेट अकेडमी में डालने के लिए शिवाजी पार्क जिमखाना लाए लेकिन उस वक्त के कोच ने कहा, अभी बच्चे की उम्र कम है, इसे अगले साल लाइएगा। लेकिन श्रेयस हर शाम अब उस पार्क में क्रिकेट खेलने जाने लगे। कुछ दिनों बाद परवीन आमरे उस अकेडमी के कोच बने। उन्होंने देखा एक लड़का अपने से 2 गुने हाइट की बॉलर को फ्रंट फुट और बैक फुट पे कवर ड्राइव और पुल्स मार रहा है। प्रवीण आमरे इंप्रेस हो गए और तुरंत ही अय्यर को अकेडमी में एडमिट कर लिया। अय्यर ने अकेडमी और स्कूल लेवल्स पे खूब रन्स मारे। स्कूलिंग के बाद अय्यर ने पोद्दार कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज में वो अपनी टीम के स्टार प्लेयर थे और अपनी टीम के लिए उन्होंने कई मैच विनिंग पारी खेली। उनके बैटिंग स्टाइल को देख उनके दोस्त उन्हें वीरेंद्र सहवाग बुलाते थे। मुंबई अंडर 16 की तरफ से खेलते हुए अय्यर का परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरते गया। अय्यर के कोच ने श्रेयस के पिता से कहा, आपके बेटे में बहुत टैलेंट है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन वो अपना फोकस खो चुका है। पिता को लगा कि शायद वो प्यार के चक्कर में पड़ गया है या गलत संगत में। इस जगह पर कोई और पिता होता तो अय्यर को डांटता और गुस्सा करता लेकिन एक समझदार पिता की तरह संतोष अय्यर श्रेयस को एक स्पोर्ट्स साइकेट्री के पास ले गए और वहां पता चला कि श्रेयस नॉर्मल है और वो बस एक रफ पैच से गुजर रहे हैं। और वैसा ही हुआ। जब अय्यर का फॉर्म वापस आया तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया। डोमेस्टिक मैचेस में अच्छे परफॉर्मेंसेस की वजह से 19 साल की उम्र में 2014 अंडर 19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में अय्यर को शामिल कर लिया गया लेकिन अय्यर टूर्नामेंट में अपना छाप नहीं छोड़ पाए। अपने स्किल्स को और निखारने के लिए अय्यर ने 2014 में इंग्लैंड के ट्रेंट ब्रिज क्रिकेट टीम के लिए खेलने का सोचा। वहां बाउंसी पिचेज, अलग वेदर कंडीशन और स्विंगिंग बॉल्स पे अय्यर ने अपना क्लास दिखाया और 3 मैच में 297 रन मार के 99 की धमाकेदार एवरेज से अपना नाम बना लिया। इंग्लैंड के सक्सेस से मुंबई वापस आते ही श्रेयस को मुंबई की विजय हजारे टीम में शामिल कर लिया। अय्यर ने वहां अपना लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू किया और इंग्लैंड के फॉर्म को बरकरार रखते हुए श्रेयस ने पूरे टूर्नामेंट के 6 मैचों में 273 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 54.60, हाईएस्ट स्कोर 105 रन नॉट आउट। उसी साल दिसंबर 2014 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी डेब्यू किया। मुंबई के तरफ से खेलते हुए रणजी ट्रॉफी के पूरे टूर्नामेंट के 10 मैचों में 809 रन एट एन एवरेज ऑफ 50.56, जिसमें 2 सेंचुरीज और 6 50s थे। टूर्नामेंट में वो 7th हाईएस्ट रन स्कोरर थे। अगले साल 2015-16 रणजी ट्रॉफी सीजन में 1321 रन बना के हाईएस्ट रन स्कोरर बने विथ एन इनक्रेडिबल एवरेज ऑफ 73.38। उनके एक से एक धमाकेदार और गजब के परफॉर्मेंस की वजह से साल 2015 आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने श्रेयस को पूरे 2,20,00,000 में खरीद लिया, हाईएस्ट फॉर एन अनकैप्ड प्लेयर इन सीजन 8। और पूरे आईपीएल के 14 मैचों में उन्होंने 439 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 33.76, अर्निंग हिम द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द आईपीएल सीजन 8। लेकिन साल 2016 श्रेयस अय्यर का सबसे बुरा साल रहा। उन्होंने आईपीएल के 6 मैचों में सिर्फ 30 रन बनाए, उन्हें टीम से ड्रॉप भी कर दिया गया। अय्यर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे बस अपने गेम पे फोकस करना है और उसको सुधारना है, सिलेक्शन मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में मेरा परफॉर्मेंस है एंड आई विल फोकस ऑन दैट। अगले साल श्रेयस ने कमबैक किया और आईपीएल 2017 में उन्होंने 336 रन बनाए जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 96 रन था। अगले साल 2018 में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स का कैप्टन बना दिया गया। अपने पहले ही मैच में उन्होंने कप्तानी पारी खेली और केकेआर के अगेंस्ट 40 बॉल पे नाबाद 93 रन मारे जिसमें 10 छक्के शामिल थे।
2017 ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में श्रेयस को इंडियन सीनियर टेस्ट टीम के लिए कॉल आया एज अ कवर फॉर विराट कोहली, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला। कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं था जिसमें श्रेयस लीडिंग रन स्कोरर नहीं थे। 1 नवंबर 2017 को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। इस मैच में अय्यर की बैटिंग नहीं आई और 10 दिसंबर 2017 को अपना ODI इंटरनेशनल डेब्यू किया, जिसमें धर्मशाला के मुश्किल विकेट पे वो सिर्फ 9 रन बना पाए, लेकिन अगले दो मैचों में उन्होंने 2 अर्धशतक मारे। साल 2018-19 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में श्रेयस ने 55 गेंदों में 147 रन मारा और हाईएस्ट स्कोर बाय एन इंडियन बैट्समैन इन ए T20 मैच बन गए, जिसमें 15 छक्के भी शामिल थे। 2019 IPL में अपने कप्तानी में उन्होंने पहली बार दिल्ली कैपिटल्स को प्लेऑफ्स तक पहुंचाया और 2020 IPL में पहली बार फाइनल तक। इससे श्रेयस अय्यर की कैप्टनशिप दिखती है और वो फ्यूचर इंडियन कैप्टन के प्रबल दावेदार हैं। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 24 मार्च 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ फर्स्ट ODI में फील्डिंग के वक्त श्रेयस ने अपना शोल्डर डिसलोकेट कर लिया, जिसकी वजह से वो उस सीरीज और पूरे IPL से बाहर हो गए और IPL की कैप्टनसी भी उनके हाथ से चली गई। रिकवर होने में उन्हें 6 महीने लग गए। IPL के दूसरे हाफ में उन्होंने कमबैक किया, लेकिन वो कैप्टनसी से हाथ धो बैठे थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, ये डिसीजन फ्रेंचाइज का होता है और ऋषभ अच्छा कैप्टनसी कर रहा है तो फ्रेंचाइज ने सोचा पूरे सीजन पंत से ही कैप्टनशिप कराते हैं। आई कैन कंट्रोल व्हाट इज इन माय हैंड। 2021 T20 वर्ल्ड कप में श्रेयस को एज ए स्टैंड बाय प्लेयर के तौर पर सेलेक्ट किया गया और नवंबर 2021 में होने वाले न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनका सिलेक्शन हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू के 4 साल बाद टेस्ट टीम में अय्यर का डेब्यू हुआ। 25 नवंबर 2021 को सुनील गावस्कर से श्रेयस अय्यर को अपना टेस्ट कैप मिला और इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक अय्यर ने अपने टेस्ट डेब्यू पे नाबाद 75 रन बनाए। तो ये थी कहानी एक ऐसे प्लेयर की जिसका बचपन में फुटबॉल की तरफ झुकाव होने के बावजूद पिता ने उसे क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित किया और आज वो इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद इंडियन क्रिकेट टीम में अपनी जगह पक्की कर चुका है और अपने पिता संतोष अय्यर का सपना बेटे श्रेयस अय्यर ने पूरा कर दिया। तो हम लोग प्रे करते हैं श्रेयस यूं ही जबरदस्त पारी खेलते रहें और इंडियन क्रिकेट का चमकता सितारा बनकर उभरे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ग्रो करने में हेल्प करिए। ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।